देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। उत्तराखंड के सितारगंज में स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र के सामने कुछ समय पूर्व एक नाला खोदा गया था, जिसका इल्ज़ाम नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे ने बालाजी एक्शन कंपनी पर लगाते हुए बताया कि बालाजी एक्शन कंपनी के द्वारा सितारगंज सीएचसी हॉस्पिटल के सामने एक नाला खोदा गया था, जिसको ज़रूरत से ज़्यादा चौड़ा और गहरा कर दिया गया है। उसी के वजह से उस नाले के अंदर गंदगी और कूड़ा इकट्ठा हो गया है। नाला गहरा होने के कारण नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को सफाई करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सामने जो है कि एक नाला था, जिसमें से जो है कि पानी सुचारू रूप से निकलता था। क्योंकि वो नाला कुछ कच्चा था, इस कारण थोड़ी परेशानी होती थी। समय समय पर उसकी सफाई कर दी जाती थी तो वो पानी सही तरीके से आगे निकल जाता था। लेकिन जो है कि बालाजी एक्शन द्वारा पता नहीं किस विभाग या पता नहीं किस अधिकारी के द्वारा कहा गया उनको, तो वह जो है कि उस नाले का निर्माण करने लगे। और चलिए नाले का निर्माण करने लगे, लेकिन उस नाले का निर्माण करने के लिए उन्होंने जो है कि उस नाले को इतना गहरा खोद दिया कि पानी सुचारू रूप से निकलना बंद हो गया, और इतना चौड़ा खोद दिया कि उसमें घुसकर जो है कि हमारे पर्यावरण मित्रों को सफाई करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, और जिस कारण से वहाँ पर बदबू हो जा रही है। दूसरी बात जो है कि आज मैंने एक बालाजी एक्शन को एक नोटिस भी जारी किया है, और नोटिस के माध्यम से उनको कहा है कि शीघ्र उस नाले को पूरा करें, जिससे जो है कि जनता को गंदगी से और निजात मिल सके। और अगर जो है कि उन्होंने जल्दी इस नाले का निर्माण पूर्ण नहीं किया तो उनके खिलाफ़ नगर पालिका प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगी।